नमस्ते प्यारे दोस्तों, बॉन्डिंग विद टेस्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे घर पे केएफसी स्टाइल चिकन लेग पीस फ्राई आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और रेसिपी को देख लेते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए चिकन लेग पीस। इधर मैंने 4 रेगुलर साइज के चिकन लेग पीस ले लिया है और एक एक लेग पीस में दोनों तरफ से चाकू की मदद से चीरा लगा लेंगे। आइए अभी मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून प्याज का पेस्ट, 1 टीस्पून व्हाइट विनीगर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चीरा लगाया हुआ लेग पीस को मसाले में डाल के अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, आइए बैटर की तैयारी कर लेते हैं। बैटर के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून नमक, 2 अंडे, 1/2 सभी सामग्रियों को अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। मिक्स करते वक्त ध्यान रखिए कि इसमें गांठे ना रह जाए, इसीलिए ध्यान से अच्छे से इसे मिलाइए। बैटर तैयार हो चुके हैं, अभी इसमें चिकन लेग पीस को डालेंगे और अच्छे से डिप कर लेंगे बैटर में। अभी ऊपर से छिड़क देंगे क्रस्ट किया हुआ कॉर्नफ्लेक्स। जो कॉर्नफ्लेक्स हम दूध में मिला के खाते हैं वही यूज कीजिए। कॉर्नफ्लेक्स को ऐसे मिलाइए कि अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स चिकन लेग पीस में चिपक जाए। दोनों तरफ से उलट पुलट कर लेग पीस में कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से लगा लीजिए और हवा में इसको 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। लीजिए, अभी हमारे लेग पीस तेल में जाने के लिए तैयार है। कढ़ाई में तेल डाल देंगे डीप फ्राई के लिए। तेल को अच्छे से गर्म होने तक वेट करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं, अभी लेग पीस को तेल में डाल देंगे। एक एक साइड को 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। देखिए, एक साइड हमारे सुनहरे हो चुके हैं, अभी दूसरे साइड से पलट देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसे निकाल लेते हैं और बाकी लेग पीस को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारे केएफसी स्टाइल चिकन लेग पीस फ्राई परोसने के लिए तैयार है। इसे आप मेयोनीज और टमाटो सॉस के साथ शाम के स्नैक्स में एंजॉय कीजिए। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।